नमस्कार दोस्तों, मैं वीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल जीके राजस्थान में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन आज हम और नए नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं दो साहित्य के प्रश्न और बाकी सभी आपके बीएसटीसी के रिपीटेड प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो कुछ ये प्रश्न हैं जिनके माध्यम से आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न आज हम आपको करवाएंगे बच्चे, जो आपकी परीक्षा में आपके आयोग द्वारा की गई गलतियाँ हैं उसको भी आज हम आपके सामने ले आएंगे। एक प्रश्न है जो आपसे भाई बहुत बार पूछा गया, मैंने भी उसको कई बार डिस्कस किया होगा और उसको परीक्षा में बहुत बार आपके आयोग ने भिन्न भिन्न उत्तरों के साथ उपस्थित किया है। तो मैं उन प्रश्नों को भी यहां पर स्थान दिया हूं जो जिनको आपके आयोग ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, अर्थात कभी उसी प्रश्न का कोई और उत्तर मान्य कर लेना और कभी कोई और उत्तर मान्य कर लेना। मैं दोनों उत्तर भी आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को खूब शेयर करिए पहले, और ज्यादा से ज्यादा छात्र लाइव आ जाइए। और अब देखिए आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बताइए। ये साहित्य का प्रश्न है। कल भी मैंने आपको साहित्य के तीन चार प्रश्न करवाए थे तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, नोट करके लिखिएगा, विचार वीथी। बताएं चिंतामणि और विचार वीथी किसके निबंध संग्रह है, दोनों बताना है आपको। विकल्प यही रहेंगे, बस आपको दोनों का उत्तर देना है। मैं आपको स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, आपके कमेंट्स भी पढ़ पा रहा हूं, उम्मीद है कि आप उत्तर देंगे। जल्दी करिए, चिंतामणि और विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है बताएं। देखिए यहाँ पर चार विकल्प हैं, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। यहाँ पर शुक्ल कर लीजिए। जब हम रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के पुरोधा, इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके माध्यम से जब मैं आपको कभी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए पढ़ाना प्रारंभ करूंगा तो जरूर उसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी सामान्य तौर पर इतना जाने, जब रामचंद्र शुक्ल की बात आती है तो इनके दो ही निबंध संग्रह हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, एक है चिंतामणि, दूसरा है विचार वीथी। तो इन दोनों को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, जहां पर भी बैठे हों अपने पुस्तक में नोट कर लीजिए, चिंतामणि और विचार वीथी। पहली चीज तो ये पूछेंगे कि क्या है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें चिंतामणि और विचार वीथी दो के दोनों निबंध संग्रह हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है किसके हैं, तो बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न जल्दी से उत्तर दीजिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना, आधे घंटे के अंदर हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा, जल्दी करें। दूसरा प्रश्न, मैंने कहा था ना दो से तीन प्रश्न साहित्य के और फिर उसके बाद बीएसटीसी और पीटेट के व्याकरण पर आ जाएंगे। काशी नागरी पचारिणी सभा की स्थापना हुई तो किस वर्ष में हुई है, आपसे पूछे हुए हैं। काशी नागरी पचारिणी सभा 1993, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। उत्तर दीजिए, चार विकल्प हैं आपके सामने। काशी नागरी पचारिणी सभा की स्थापना, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बहुत कम विद्यार्थियों के उत्तर आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, समय नहीं लगाना है बिल्कुल भी, बताएं जल्दी जल्दी। काशी नागरी पचारिणी सभा, काशी नागरी पचारिणी सभा 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, 1993 में। अब जैसा कि नाम से विदित होता है कि सबसे पहले कहां निकला होगा, तो काशी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश से निकलता था, और यहां पर काशी नागरी पचारिणी सभा की स्थापना 1993 में की गई।
इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी पत्र पत्रिकाओं का विवेचन किया गया, विमोचन किया गया, इनको लिखित रूप में रखा गया, जिनसे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए जा सके, हमारी भारत की वर्तमान स्थिति का पता बताया जा सके। इसी के अंतर्गत फणीश्वरनाथ रेणु चांद्र पत्रिका के नाम से एक निकलती थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों के हालात और अंग्रेजों द्वारा भारत पर किए गए वास्तविक जो हमारे ऊपर किया जा रहा अत्याचार, जो प्रताड़ना हम झेल रहे थे, उसका लेखन फणीश्वरनाथ रेणु जी, अभी बहुत छोटे थे, उम्र केवल 5 वर्ष थी अभी विद्यालय जाने की उम्र, और उस बच्चे के पास ये चांद पत्रिका थी, पढ़ना जानते थे, बहुत ही कम उम्र में कई भाषाओं का ज्ञान कर चुके थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का भी उनको पर्याप्त ज्ञान था रेणु जी को। और उनका सबसे ज़्यादा प्रचलित आंचलिक उपन्यास आपसे पूछेंगे मैला आंचल, एकमात्र सर्वाधिक प्रचलित उपन्यास जो कि आंचलिकता से लिखा गया है वह है मैला आंचल, आपसे परीक्षा में पूछेंगे, आप उसका भी उत्तर दे पाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, प्रश्न संख्या 3, प्रेम सागर किसकी रचना है बेटा बताएं, प्रेम सागर किसकी रचना है, जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रेम सागर किसकी रचना है बताएं बेटा, प्रेम सागर किसकी रचना है। मैंने इसको इसके पहले भी कई बार बताया होगा, मुंशी सदाशुक लाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या राम प्रसाद निरंजनी। सदल मिश्र की बात आती है तो नासिकेतो उपाख्यान इनकी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रचलित रचना है नासिकेतो उपाख्यान, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। साहित्य के भी कुछ प्रश्न मुझे आपकी परीक्षा में चित्र वितित तौर पर मिले हैं, तो मैं इनको लगातार 2 दिन से सोच रहा हूँ कि इनको रख दिया जाए और आपको नोट करवा दिया जाए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर में पहुँचेंगे और यदा कदा साहित्य मिल ही गया तो साहित्य आपके छक्के न छुड़ा दे, आप कर ले जाएं और कहें कि मैंने जीके राजस्थान के अध्यापकों से पढ़ा है, तो आपको इसका लाभ मिले बेटा। चलिए अब देखिए, मैंने आपसे पूछा प्रेम सागर किसकी रचना है, बच्चे बताओ, प्रेम सागर किसकी रचना है। बहुत अच्छे, लल्लू लाल जी की रचना है, विकल्प सी सही है, लेकिन बहुत कम छात्रों का उत्तर आ रहा था। चलिए, लल्लू लाल जी का है प्रेम सागर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद बताना है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताएं, क्या पूछ रहे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, 3, 4, 5, 6 बताइए कितने। मैंने आपको यहीं पर 2 प्रश्न पूछना है, एक प्रश्न और नोट करें, रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, हमने कहा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, दूसरा प्रश्न है रचना के आधार पर संज्ञा, बताएं बेटा जल्दी से बताएं, बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं, इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 और 1 4। अब यहां पर देखिए, जब कभी भी कहे रचना के आधार पर कितनी संज्ञा है, तो आपको बताना है 3। जब रचना के आधार पर 3 पूछ रहे हैं, तो रचना के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही 3 होते हैं केवल।
अब संज्ञाओं को मूलतः देखने और न देखने अर्थात दृश्य और अदृश्य रूप में भी बांटा गया है। तो संज्ञाओं के दो रूप, एक दृश्य रूप और दूसरा बेटा क्या, अदृश्य रूप। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान से देखें। दृश्य संज्ञा की बात करें तो दृश्य संज्ञाएं चार हैं, अदृश्य संज्ञा केवल एक है। दृश्य तो नहीं पूछते क्योंकि पांच होते ही हैं। अगर आप ये जान लें कि एक कौन अदृश्य है तो बाकी चार तो दृश्य होंगे ही। तो जो एक अदृश्य है वो है बेटा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। भाववाचक संज्ञा को अदृश्य संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या पांच। बताइए प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। बेटा यही वो प्रश्न है जिस पर आयोग दो उत्तरों को मान्य करता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनका आयोग द्वारा गलत उत्तर या दो उत्तर मान्य किए गए हैं। यही वो प्रश्न है, मैं अभी आपको समझा पाऊंगा कि इसके दो उत्तर मान्य करने के पीछे का क्या समस्या क्या है इसकी। देखिए, प्रत्यय संज्ञा क्रिया सर्वनाम चार विकल्प हैं। पहले आप उत्तर दे ले फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए उत्तर दीजिए बेटा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लगातार उत्तर आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी सभी लोग उत्तर दीजिए भाई, सभी लोग उत्तर दीजिए और एक बार झूम के वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग। बहुत ही कम संख्या है, वीडियो को एक बार ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए बेटा, सभी छात्रों तक पहुँचा दीजिए वीडियो को, लगातार शेयर करिए। बहुत अच्छे बेटा, चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको बता पाऊंगा कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए यहां पर आपका आयोग कभी उत्तर क्रिया को मानता है, कभी उत्तर संज्ञा को मानता है। समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए जैसे अभी मैंने कहा राम बाजार जाता है, बहुत ही बारीकी समझिएगा, मैं आपको समझा पाऊंगा क्या उत्तर है, आप खुद ही बताएंगे कि दोनों में से क्या ज्यादा सही है, ठीक है। और आपका आयोग दूसरा वाला सही लेता है तो क्यों लेता है ये भी आप बता पाएंगे, खुद बताएंगे, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहां मेहनत कर रहा हूं, समझिएगा। राम क्या है बेटा बताओ, संज्ञा है ना। राम कैसी संज्ञा है, पुल्लिंग है कि नहीं बेटा बोलो। लिंग निर्धारण की बात की जा रही है, राम क्या है, संज्ञा है और पुल्लिंग है। तो ये बाजार जाता है यानी क्रिया भी कैसी लगी, पुलिंग वाली लगी। क्रिया किसकी लगी, पुलिंग की लगी। यानी संज्ञा यदि पुलिंग हो तो क्रिया पुलिंग की लगती है, यदि संज्ञा स्त्रीलिंग की हो तो क्रिया स्त्रीलिंग की लगती है। समझ में आया कि नहीं, बहुत काम की चीज बेटा, नियम है। संज्ञा यदि पुलिंग हो तो क्रिया भी पुलिंग होना चाहिए। राम बाजार जाती है नहीं, राम बाजार जाता है। किताब खुली है, किताब स्त्रीलिंग है तो किताब खुली है।
क्योंकि यहीं से पता चल गया ये जो क्रिया है वो कैसी है, क्रिया स्त्रीलिंग की है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया स्त्रीलिंग की है, इसलिए संज्ञा बता पा रहे हैं हम कि संज्ञा स्त्रीलिंग है। तो कभी कभी क्रिया ये निर्धारित करती है कि संज्ञा का लिंग क्या होगा, कभी कभी संज्ञा ये निर्धारित करता है कि उसका लिंग क्या होगा। इसलिए जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है संज्ञा, और जो दूसरा सही उत्तर है वो है क्रिया। आप किसको सही मार के आएंगे? आप संज्ञा को सही मार के आएंगे। आप क्रिया को कब सही मारेंगे? जब आप रीट परीक्षा दे रहे हो, सीटेट की परीक्षा दे रहे हो, वहां पर क्रिया को सही माना जाता है। बीएचटीसी और पीटेट की परीक्षा में संज्ञा को सही माना जाता है। तो ये चीज आप नोट कर लें, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बालक, हमें इसी प्रकार के नियमों से आगे बढ़ना पड़ता है। उम्मीद है कि मैं आपको चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ। मज़ा ज़रूर आया होगा, और मज़ा आया है तो शेयर तो बनता है। चलिए अगला प्रश्न, कारक के भेद पूछ रहे हैं बेटा। कारक के भेद कई बार बताया हूँ, फिर से जानना है कारक के भेद कितने होते हैं। जल्दी बताओ, बिना समय लगाए बता दो, संख्या बताना है। उत्तर ए बी सी डी मत लिखो, संख्या लिख दो बस, कितनी होती है बता दो जल्दी से। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चे बताओ? 7, 8, 9, 10 बताएं। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो कारक के कितने भेदों की चर्चा हो रही है? 8 भेद की चर्चा होती है। हम कारक के कितने भेदों की बात करते हैं? 8। हिंदी में 8 और किसमें? संस्कृत में 6। हिंदी में कितने बेटा? 8 और संस्कृत में कितने? 6। ठीक है, चलिए आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम घ का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी मैं इसका एक सूत्र बताऊंगा आपको, सूत्र आपको याद हो जाएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। घ का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए, अगर ऐसे लिखते तो ध लिखते, ऐसे लिख रहे हैं तो घ लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये घ है और जब ऐसे लिखते तो ये ध है। हम दोनों का उच्चारण स्थान आपको बताते हैं। जब उच्चारण स्थान की बात आए तो उच्चारण करने के लिए हम जिस स्थल से उच्चारण करते हैं उसे उच्चारण स्थल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन्हीं स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है और हम आपको उन्हीं का उच्चारण स्थान सबसे ज़्यादा बताएंगे भी। सूत्र देखिए, बहुत आराम समझते जाइए, आपको मज़ा आएगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनी या नाम कंठा सूत्र है। समझिएगा जरा सूत्र को भी, लंबा चौड़ा लिख दिया भाई, कैसे समझ में आए? बहुत आराम से समझ में आएगा बेटा, समझते जाइए। अकुह, आ मतलब हो गया आ आ, कु अर्थात क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या? क ख ग घ अंग, अंग बगल में बिंदी लगती है, ठीक है, नीचे नहीं ऊपर बगल में बिंदी लगती है। हा और क्या? विसर्ग, विसर्ग हम ऐसे लिखते हैं दो बिंदी, इसी को कहते हैं विसर्ग। कहाँ से? कंठा। इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है बेटा? कंठ से होता है। इन सब का उच्चारण हम करते हैं बालक कहाँ से? कंठ से। सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, और विकल्प बी सही हो गया, ये क्या हो गया? कंठ से। और एक सूत्र होता है तालु के लिए, ओतदौ कंठः तालु, ओतदौ कंठः तालु, यानी ओ औ ओ तावर्ग, तावर्ग में ता था द ध न, कंठः तालु अर्थात ओ और तावर्ग कंठ तालु से, कहां से? कंठ तालु से। ठीक है, और दंत
ऋतुरसाणाम दंता, सूत्र होता है ऋतुरसाणाम दंता। ये सब मैं आपको अपनी वर्णमाला की कक्षा में बहुत जल्द उपलब्ध करवाने वाला हूँ। भाग एक आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो एक दो दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी वो मिलेगा लाइव के तौर पर। चलिए अगला देखिए, छा वर्ण किस के योग से बना है, कश कच कच कस। इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको चारों विकल्पों के बारे में, लेकिन पहले आपका उत्तर मान्य किया जाएगा। भाई बताएं, उत्तर दीजिए भाई जल्दी से। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण मैंने आपको बता दिया, कारकों के भेद बता दिए, उच्चारण स्थल बता दिया। अब बात आती है कि भाई संयुक्त व्यंजन की बात कर लिया जाए। क्यों? संयुक्त व्यंजन से प्रश्न आ रहा है, संयुक्त व्यंजन की भी चर्चा आवश्यक हो जाती है। ये रहा बच्चा आपका संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या बेटा बताई जाती है कितनी, चार। चारों नोट करें, छ त्रा ज्ञा श्रा, ठीक है, चार है। कौन कौन से? छ त्रा ज्ञा और श्रा, चार हो गए। अब इनके बारे में जान लीजिए कैसे बनते हैं। क श से बन गया छ, त्र कैसे बन गया, तर से बन गया त्रा, ज इया से बन गया बेटा ज्ञा, और श्र बन गया श और रस। समझ में आया? अब इसमें से सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा ये वाला और ये वाला, ये दोनों परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो इनको आपको कॉपी में विशेष तौर पर नोट कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं। तो जहां से प्रश्न सर्वाधिक बने उसको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि आपकी समस्या का समाधान वहीं हो जाए। पेपर देने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर दौड़ा लिया, काम हो गया, समझिए, ठीक है। तो यहां जो सही उत्तर बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, कश। विकल्प ए एकदम सही है, कश। और जब हम हलंत लगाकर किसी वर्ण को लिखते हैं ना, तो एक चीज और नोट करिएगा, उसको हम अनुच्चरित वर्ण की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्चरित वर्ण की संज्ञा देते हैं। जब हम किसी वर्ण पर हलंत लगाकर लिखते हैं तो उसको अनुच्चरित वर्ण के नाम से जाना जाता है। अनुच्चरित वर्ण का ये कतई मतलब नहीं कि हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अपितु हम इसका पूर्ण उच्चारण नहीं कर पाते, इसीलिए इसे अनुच्चरित वर्ण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए बेटा, जल्दी बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, चार विकल्प, अस्पृश्यता 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 अस्पृश्यता, बताएं। जल्दी से उत्तर दीजिए सभी भाई बहन, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग, जल्दी से जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए बेटा सब लोग। और मज़ा आ रही है ना, अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नई जानकारी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देंगे। चलिए बेटा अब देखिए क्या पूछा हमने, कौन सा शुद्ध है, विकल्प सी बिल्कुल शुद्ध है। लगातार उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल शुद्धता की पहचान आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं, कई बार मैंने बताया है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितना बार इंपॉर्टेंट लिखा जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहे हैं ना कवि का स्त्रीलिंग है, कई बार पूछा है, कवित्री 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 कवित्री, अब बताइए कौन सा सही है। ये बहुत बार 10 बार से भी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। आपका BSTC का पेपर हो, PTET का पेपर हो, और ये प्रश्न ना पूछे जाए तो मतलब पेपर बना ही नहीं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है,
कवयित्री, क्या विकल्प सही है बेटा? विकल्प सी। ज्यादा समय नहीं लगाया क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए समय नहीं नष्ट किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? तरणी का पर्यायवाची बताइए, जल्दी से बताइए। तरणी का पर्यायवाची बता दीजिए जल्दी से। तरणी का पर्यायवाची सूर्य, नाम, युवती, नदी, बताएं बेटा। तरणी का पर्यायवाची शब्द बताएं। जल्दी से बता दीजिए तरणी का पर्यायवाची शब्द। क्या बात है? तरणी मतलब होता है बेटा सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तरणी मतलब सूर्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द है, क्या हो जाएगा? मीन की पर्यायवाची, मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिखी, शापक, विभावरी या मत्स्य। उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए, मीन का पर्यायवाची बेटा हो जाएगा मत्स्य। मीन मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली। मीन मतलब मछली। एक आपने मुहावरा सुना होगा, शब्द सुना होगा, वाक्य सुना होगा, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी। कौन सा रस है पूछा जाता है? और ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी, इसमें कौन सा रस है? मैं आप सभी का नाम अपने कल के वीडियो में लूंगा, 5 विद्यार्थियों का जो लगातार सही उत्तर देते आते हैं, मैं उनका नाम लूंगा। फिर से प्रश्न सुनिएगा, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी, कौन सा रस है? यहां पर तो उत्तर हो गया बेटा मत्स्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छे हमारे विद्यार्थी लगातार उत्तर देते जा रहे हैं, क्या बात है। प्रश्न है, दिए हुए शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है, इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ प्रकट करता है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, बताइए बताइए बेटा। मैं आप सभी को स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, उत्तर दीजिए। बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए। भार्या मतलब होता है बेटा, ये एक प्रकार का विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कैसा? स्त्रीलिंग। और भार्या मतलब होता है बेटे पत्नी, ठीक है, या जोरू। जोरू देसी शब्दों के अंतर्गत आने वाला एक शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, जोरू कैसा शब्द है आप बताइएगा? देसी शब्द, देश शब्दों के अंतर्गत आता है, तो यह भिन्न अर्थ प्रकट करता है। बाकी सबका अर्थ कन्या, स्त्री, लड़की है, लेकिन भार्या शब्द जो है वो पत्नी अथवा जोरू को दर्शाता है, तो ये भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताएं। चार विकल्प, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय, जल्दी से बताएं। क्या बात है, लगातार उत्तर आ रहे हैं। अनुपम का पर्यायवाची स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय, बताइए। अद्वितीय होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अनुपम अर्थात अद्वितीय, अर्थात जिसके जैसा दूसरा ना हो, अनुपम छवि है, ठीक है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, अर्थात अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम।
उसे कह दिया अनुपम, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो ये हो गया समानार्थी और पर्यायवाची। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कान का कच्चा होना का अर्थ बताइए। कान का कच्चा होना, इसका अर्थ बताइए जल्दी से। कान का कच्चा होना, अंतिम प्रश्न, लगातार उत्तर दीजिए। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, या कान का कमजोर होना, बताइए। चार विकल्प है, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या बात है, लगातार उत्तर आ रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी भाई बहन। अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय, अभी तक उत्तर आ रहा है। कान का कच्चा होना का अर्थ बताइए भाई साहब। चार विकल्प है, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, या दूसरे की बात मानना, या कान का कमजोर होना, बताएं। तो कान का कच्चा होना यानी क्या हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, राम कान का कच्चा है यानी सुनी बात पर विश्वास कर लेता है, तो यहाँ विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एकदम सही विकल्प। चलिए, आप सभी मेरे भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मेरे भाइयों, क्योंकि सिलेक्शन होना ज़रूरी है। चलिए।